हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी मैंगो कुल्फी, जिसके लिए हमने एक मैंगो लिया है, इसको हमने मैंगो प्यूरी बना ली है, एक गिलास दूध, 3 टेबल स्पून चीनी, 4 हरी इलायची, 150 ग्राम महुआ जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, 10 से 12 पिस्ता जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये हमने मैंगो लिया है इसको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। गैस पे हमने बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें डालेंगे दूध, इसको हम उबाल लेंगे। दूध हमारा बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची का हमने पाउडर बना लिया है, अब इसमें डालेंगे पिस्ता, डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हमारे घर में चीनी कम खाना पसंद करते हैं, मीठा कम खाते हैं, इसलिए हमने कम ही चीनी डाली है। अब इसमें डालेंगे मावा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये हमारा एक उबाल आ चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडे होने तक का इंतज़ार करते हैं। ये हमारा दूध ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मैंगो प्यूरी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसको हमें बिल्कुल क्रीम की तरह मिक्स करना है। देखिए सारा मैंगो इसमें मिक्स हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम मैंगो पीसेस, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, ये हमने मिक्स कर लिया है। अभी हम मोल्ड ले लेंगे, कुल्फी मोल्ड, ये बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अब इसको हम इसमें डाल लेंगे, ये हमने मोल्ड भर लिए हैं, अब इसको हम बंद कर देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं हो तो आप इसको किसी भी बर्तन में जमा सकते हो। अब हम आपको किसी बर्तन में भी जमाना सिखाएंगे। तो हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें ये सारी कुल्फी का मिक्सचर डाल देंगे, इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 5 घंटे हमारे हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी कुल्फी बन चुकी है, इसको हम एक एक करके प्लेट में रख देंगे। ये हमने मोल्ड में से कुल्फी निकाल ली है, अब जो हमने बर्तन में जमाई थी उस वाली कुल्फी को भी हम निकाल लेंगे। कुल्फी हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।